अस्सलाम वालेकुम वेलकम बेक टू मई चैनल आज की वीडियो का टॉपिक टीत वाइटनिंग से रिलेटेड है और काफी लॉन्ग टाइम के बाद मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि टीत वाइटनिंग आई थिंक के मार्केट में इतने सारे टूथ पेस्ट मौजूद है जो की आपको ऑलमोस्ट अगर से आप रेगुलर कर रहे हो तो आपके तीत को प्रॉपर क्लियर रखते हैं अगर से आप केयर कर रहे हो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग है जो कि कुछ ऐसी चीजों का यूज करते हैं जिससे हमारे दांत के ऊपर स्टेन पड़ जा पड़ जाते हैं जैसे कि पान का इस्तेमाल या फिर सिगरेट स्मोकिंग या फिर कॉफी ज्यादा पीना या फिर आप ड्रिंक भी कह सकते हो तो बहुत ज्यादा पीले पड़ जाते हैं दांत अगर से आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप इनमें से कोई भी चीज लेते हो और आपके दांत ओबियसली टूथब्रश से भी साफ नहीं हो, होते होंगे टूथपेस्ट से भी तो टूथपेस्ट के अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो कि हम यूज कर सकते हैं दांतों पे जिससे कि आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिले और आप आपके पैसे भी बच जाए यानी कि बजट फ्रेंडली हो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हर एक महंगी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते और हर बंदा यही चाहता है कि वो कोई ऐसी चीज यूज करे जिसके फायदे ज्यादा हो नुकसान ना हो और पैसे कम हो और हर कोई यही चाहता है तो गई आज मैं आपको दो चीजों के बारे में बताने वाली हूँ और सिंपली मैं आपको एक होम तरीका भी बताऊंगी और सेकेंडली आपको एक मार्केट की चीज भी बता दूंगी अगर से आप अफोर्ड कर सकते हो और चाहते हो अपने दांतों को क्रिस्टल क्लियर करना तो आप मार्केट की चीज भी यूज कर सकते हो अगर से नहीं अफोर्ड कर सकते घर की चीज यूज करना चाहते हो और फिर भी चाहते हो कि दांत जो है वो क्रिस्टल व्हाइट हो जाए तो होंगे अगर से आप उसका यूज प्रॉपरली कर रहे हो और टाइम टू टाइम कर रहे हो तो फिर आपके जो टीथ है वो व्हाइटनिंग जरूर व्हाइटन होंगे और आपके जो भी टीथ के ऊपर स्टेन वगैरह लगे हुए हैं वो आपके दांतों को क्लियर कर देगा अच्छा कही सबसे पहले हम यहाँ पर होम वे को देखेंगे की होम वे कैसा है तो वे के लिए यहाँ पर मैं तीन इंग्रेडिएंट्स यूज करूंगी जिसमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले हैं वो है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा सोडा अब को को सुनने के बाद ना लोगों को लगेगा ओ oh गॉड अब तो साइड इफेक्ट होने वाले हैं, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा बेकिंग सोडा दांतों के लिए बहुत खतरनाक है हम यूज ही नहीं कर सकते तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है बेकिंग सोडा बिल्कुल सेफ है जब आप खानों में उसका इस्तेमाल कर सकते हो तो दांत भी तो मुंह से ही ताल्लुक रखते हैं ना जब आप खाने में इस्तेमाल करते हो लाइक आप डो में इस्तेमाल करते हो आप पकौड़ो में उसे इस्तेमाल करते हो तो वो आपकी पेट में ही जाता है ना और टीथ के ऊपर इस्तेमाल करना उसका साइड इफेक्ट नहीं देता है एक्चुअली में बेकिंग सोडा जो है वो आ, स्टेन को उतारने का काम करता है किसी भी चीज का स्टेन हो दांत पे लाइक पान का स्टेन हो या फिर आपके टीथ के ऊपर कॉफी का स्टेन हो या फिर आपके टीथ पे ड्रिंक का स्टेन हो या येलो स्टेन हो या सिगरेट की वजह से आपके दांत बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं या किसी भी रीजन की वजह से आपके दांत खराब हो जाते हैं या बहुत से लोग ऐसा होता है कि रेगुलर रूटीन पे ब्रश नहीं कर पाते हैं या टू टाइम्स नहीं कर पाते हैं जिसके कारण जो है वो आपके दांत बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं तो उसके स्टेन को रिमूव करने के लिए एकदम बेहतरीन और परफेक्ट सोल्यूशन है बेकिंग सोडा अगर जो आप जस्ट बेकिंग सोडा को भी पानी में डिप करके लाइक पानी में हल करके उसे यूज करते हो हल्का सा पेस्ट बनाकर तो वो भी बहुत अच्छा होता है लेकिन बहुत सारे लोग दांत को साफ करने के साथ साथ दांत के अंदर एक क्रिस्टल पन चाहते हैं लाइक like उनके जो दांत है वो चमके ऐसा भी चाहते हैं तो चमकाने के लिए जो हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज करेंगे ना वो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दांतों को मोतियों की तरह चमकाने के लिए होने वाला है और वो होने वाला है सॉल्ट तो सॉल्ट से जो है वो आपके दांत व्हाइटन नहीं होते हैं व्हाइटनिंग के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो बेकिंग सोडा है लेकिन सॉल्ट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सॉल्ट से जो आपके दांत है वो क्रिस्टल ब्राइट होते हैं और ये एक रिसर्च की हुई बात है ना कि मैं आपको नॉर्मली ऐसे फजूल में बोल रही हूं तो फजूल में मैं नहीं बोल रही हूं यह एक सच जो है वो चीज है कि आपके दांत सॉल्ट से क्रिस्टल ब्राइट होते हैं और अक्सर आपने टूथपेस्ट में देखा होगा जब एड वगैरह आप उनके देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि पूछा जाता है क्या आपके टूथपेस्ट में सॉल्ट है तो सॉल्ट जो है वो ब्राइट करने का काम करती है तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा रहने वाला है सॉल्ट उसके बाद हम यूज करने वाले हैं अगला इंग्रेडिएंट जो के होने वाला है विनीगर अच्छा नहीं कर दांतों में से बदबू को निकालेगा जैसे कि बहुत सारे लोगों के मुंह से स्मेल होता है, है, तो है छुटकारा होगा स्मेल वगैरह नहीं होगी अगर चाहे आप सिरके का इस्तेमाल करते हो सिरका स्टेन को रिमूव करने के लिए भी हेल्पफुल होता है लेकिन हम इसके अंदर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जब भी ब्रश करें तो हमारे मुंह से स्मेल ना आए अगर आप चाहो तो इसके अंदर टूथपेस्ट ऐड कर सकते हो लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी वैसे टूथपेस्ट इसके अंदर ऐड किया जा सकता है बेकिंग सोडा के अंदर आप टूथपेस्ट को ऐड करके जस्ट लगा सकते हो लेकिन इस रेमेडी को आप ऐसे ही डायरेक्टली यूज कीजिएगा टूथपेस्ट की इसमें जरूरत नहीं है अच्छा गाइस तो ये है तीन इंग्रीडियंट तीनों इंग्रीडियंट के क्या क्या बेनिफिट है और हमने किस किस लिए यूज किए हैं वो मैंने आपको बता दिए है और मैं आपको बता दू बेकिंग सोडा एकदम सेफ इंग्रीडियंट है दांतों के जो ऊपर की लेयर होती है उसके स्टेन को हटाने के लिए एकदम बेहतरीन है और इसको आप आराम से यूज कर सकते हो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना आपने डरना है ना आपने घबराना है बस कितना इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ बनाना कैसे है बनाना ना बहुत सिंपल है बेकिंग सोडा आपने दो पिंच लेना है मैं यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में बना कर दिखा रही हूँ क्योंकि आपको ऐसे नजर नहीं आएगा अगर मैं बहुत कम बनाऊंगी तो इससे तो मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून के बराबर बेकिंग सोडा लिया है और आपने लेना है दो ओ, अगर रेगुलर आप कर रहे हो ना तो रेगुलरली बेस पे आप इसको बनाकर बनाकर यूज कर सकते हो बनाकर रखिएगा नहीं स्टोर मत कीजिएगा क्योंकि इस तरह की चीजें ज्यादा स्टोर नहीं होती और जो लोग स्टोर करवाते हैं उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है ठीक है है तो आपने जस्ट टू पिंच बेकिंग सोडा लेना है, और एक पिंच नमक लेना है और जस्ट वन टू टू ड्रॉप्स एप्पल साइडर विनेगर डालना है अपने वन टू टू ड्रॉप्स ज्यादा नहीं डालना ये रोज के इस्तेमाल से बता रही हूँ अगर से आप दो बार कर रहे हो तो फिर तो आप इसको एक छोटे से कंटेनर में बनाकर सकते हो क्योंकि सुबह में और रात में आप कर सकते हो सेकंड डे के लिए 24 फोर आवर्स के बाद ऐसी चीजें मत यूज किया करो कोई भी रेमेडी हो आपको कोई भी बोले कि आप इसे स्टोर कर सकते हो मत स्टोर कीजिएगा अगर कोई क्रीम आपको बनाकर दिखा रहा है फिर आप स्टोर कर सकते हो डेज क्योंकि जितना ज्यादा आप ऐसी चीजें भी यूज करते हो तो आपको साइड इफेक्ट हो सकता है फ्रेश वही बात है ना जितनी हम फ्रेश सब्जियां खाते हैं उतना अच्छा हमें हमारी बॉडी होती है हमारी हेल्थ होती है तो इसीलिए आपको मैंने बता दिया है कि आप नॉर्मली इसको फ्रेश यूज कीजिएगा अगर आप दो टाइम के लिए बना रहे हो ना तो दो टाइम के लिए आप एक टाइम का बनाकर रख सकते हो लाइक सुबह और शाम में ठीक है अच्छा गाइस नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट था वो था विनेगर तो विनेगर आपने टू थ्री ड्रॉप डालने और गाइस मैं आपको बता दू, बेकिंग सोडा जो है ना वो डिस्कलेशन के बहुत अच्छा होता है जो ऊपर की लेयर होती है ना आपकी येलो लेयर हो या किसी भी कलर की तो वो काफी अच्छे से क्लीन कर देता है उसको और क्लिनिकली भी प्रूवन है कि आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो अपनी टूथपेस्ट के साथ वो कॉफी के और स्मोक के जो स्टेन होते हैं उनको भी काफी अच्छे से रिमूव करता है तो बेकिंग सोडा को स्किप मत कीजिएगा अगर चाहे आप विनेगर और नमक नहीं डालना चाहते हो तो टूथपेस्ट के अंदर ऑलरेडी नमक मौजूद होता है तो आप टूथपेस्ट के अंदर बेकिंग सोडा को टच देकर आप ऐसा कर सकते हो कि ब्रश के ऊपर बेकिंग सोडा लगा लो और थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लो तो भी आप कर सकते हो अगर आप विनेगर वगैरह यूज नहीं करना चाहते और अगर चाहे आपके सेंसिटिव टीथ है तो आप विनेगर को स्किप करोगे सॉल्ट और बेकिंग सोडा यूज कीजिएगा उसके साथ टूथपेस्ट यूज कर लीजिएगा लेकिन अगर आपके सेंसिटिव टीथ नहीं है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दान

बार बार हो जाएगा वो क्योंकि एक दिन में आपने दो बार करना है और फिर तीन दिन के बाद दो बार आपने करना है एक ही दिन में मतलब सुबह और शाम क्योंकि दो टाइम करना चाहिए डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं और दो टाइम से ज्यादा नहीं करना चाहिए ये भी वो आपको बोलते हैं ओके okay, तो इसके बाद आपने क्या करना है कम अज कम तीन मिनट आपने इसको लगा रहने देना है और फिंगर से मुसलसल आपने जो है वो उसको साफ करते रहना है ब्रश से मत कीजिएगा फिंगर से कीजिएगा ब्रश का इस्तेमाल मत कीजिएगा अगर आप बेकिंग सोडा और नमक यूज कर रहे हो तो फिर आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ आप ब्रश यूज कर सकते हो अदरवाइज इस रेमेडी को अगर आप ऐसे ही यूज कर रहे हो जैसे मैंने बताइए बेकिंग सोडा नमक और विनेगर तो फिर आपने फिंगर का इस्तेमाल करना है फिंगर से आप करोगे आप आराम से आ, कर पाओगे कहीं कहीं ऐसी आ, जगह होती है दांत में जहां पर ब्रश आपको चुभने लगता है तो आपने फिंगर से करोगे तो फिंगर के अंदर स्किन होती है यू you नो know, वो नेचुरली चीज है और काफी स्मूथ होती है तो आपके दांतों को तकलीफ नहीं देगी कहीं भी वो जाकर ऐसा नहीं कि वो फंस जाएगी जैसे ब्रश के जो दांत होते हैं वो फंस जाते हैं तो फिंगर से आपने इसको करना है और दो तीन मिनट तक अच्छे से रब

के पास जाओ। ओके। अच्छा दो से छह हफ्ते के दरमियान आपके, अगर आप इसको करते हो। अगर आपके क्लीन और वाइट हो जाएंगे मैं इतना आपको फजूल नहीं बोल सकती कि एक दिन में साफ हो जाएंगे दो मिनट में साफ हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बस ऐसा है कि इसको यूज करते रहोगे तो क्लीन हो जाएंगे गाइस अगला जो हमारा तरीका है ना वो मार्केट का तरीका है अगर आप इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हो आपके पास थोड़े पैसे हैं आप अफोर्ड कर सकते हो तो टीथ्स के लिए थ्री की स्ट्राइप्स आती है टीथ व्हाइटनिंग स्ट्राइप्स जो कि काफी ज्यादा अच्छी होती है लाइक इतनी अच्छी होती है कि अगर आप उसको यूज करोगे एक बार भी तो एक बार में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ऐसा नहीं है कि एक बार में आपके दांत बहुत गंदे हैं तो फटाफट से व्हाइट हो जाएंगे लेकिन आपके दांत हल्के पुलके गलका पुल्का स्टेन है तो आपके दांत एक बार में ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि डॉक्टर भी आपको कहते हैं अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो थ्री डी टीथ स्ट्राइप्स को तो इसको, इसको इस्तेमाल करने के बाद कम से कम टू वीक्स आपने इस्तेमाल करना है फिर जाके आपके बहुत ज्यादा वाले स्टेन रिमूव होंगे अच्छा इसको, इसको इस्तेमाल करने का तरीका अगर आप जाना चाहते हो वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाकर रखी है आई बटन लगा रही हूं टीथ स्ट्राइप के ऊपर मैंने रिव्यू किया है वहां से भी वॉच कर सकते हो नॉर्मली सरसरी भी वहां से आपको बहुत सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी इसके बेनिफिट हर एक चीज पता चल जाएगी और कितने की है ये सारी चीजें पता चल जाएगी बस इसका इस्तेमाल मैं सरसरी तौर पर यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि तीस मिनट के लिए इसको दांत पे लगाना पड़ता है और तीस मिनट लगाने के बाद इसकी स्ट्राइप

को आप यूज ना करें घर की चीजों को यूज करें क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता रेगुलर टू हंड्रेड ऑलमोस्ट फोर हंड्रेड का खर्चा वो भी सिर्फ टीच के लिए तो आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया तो इसलिए आप ये वाली टिप ट्राई करके देखो बेकिंग सोडा वाली टू गुड है बहुत अच्छा है बेकिंग सोडा वाली टिप अगर आप यूज करते हो तो आपको रिजल्ट हंड्रेड एंड टेन मिलने वाले तो ये थी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मैं कम्युनिटी टैब के अंदर थ्री टू फोर टॉपिक्स बनाती हूँ और उस टॉपिक के अंदर अगर चे आप किसी टॉपिक के ऊपर वोटिंग करोगे जो आपका होगा तो उस वोटिंग के बाद मैं नेक्स्ट वीक जो है वो उस वीडियो को बनाकर लेकर आती हूं जिसके सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं। तो उसकी बारी सबसे पहले आती है तो अगर से आपका टॉपिक भी वही है जिस पे ज्यादा वोट्स हैं, तो आपके टॉपिक की वीडियो बहुत जल्दी आ जाए और मैं यही चाहती हूँ जो आप लोगों के प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो हो वो ही फास्टली आए ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और मेरा यही मानना है कि पहले लोगों से पूछा जाए कि किस टॉपिक वीडियो बननी चाहिए ना के मैं खुद अपने पास से कोई भी वीडियो बनाऊं तो उससे जो है वो आप लोगों की बाकी ये लाइक करोगे मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है और मुझे अपने काम पर थोड़ा सा ये होता है कि मैं और अच्छे से उसको करने की कोशिश करती हूँ और ज्यादा मेहनत के साथ अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा